सिर्फ नेताओं से उनका मैदान भर जाएगा क्या, मन सज जाएगा? मन सजा ले भाजपा के नेताओं से, मैदान में लाने के लिए लोगों को एड़ी चोटी का जोड़ लगाना पड़ रहा है, और वही वस्तु स्थिति कमोवेश हर जगह है। तो फीडबैक तो मिल ही रहा है हमें, यहाँ वहाँ से लोगों को बुलाकर कभी प्रदेश का अध्यक्ष बनाना पड़ता है, कभी इस सिंबल का, इस जाति का नेता बनाना पड़ता है। तो हमारे यहाँ से बोरोड प्लेयर लेकर जा रहे हैं, जाएं खुशफहमी में रहें। हमें लगता है कि इन्हें उम्मीदवार मिलने में तो इतनी दिक्कत है, चुनाव जीतना इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष का संसदीय क्षेत्र है मुंगेर, और वहाँ पर अमित शाह का दौरा 29 तारीख को होने जा रहा है। खास तौर पर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का जो संसदीय क्षेत्र है उस पर भाजपा की जो है वो तीखी नज़र है, और किसी भी हालत में उस सीट को जीतने नहीं देना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। और अब अमित शाह आ रहे हैं। अरे अमित शाह जी देश के माननीय गृह मंत्री हैं, कहीं भी आ जा सकते हैं, कई कार्यक्रम कर सकते हैं, लगातार बिहार में दौरा कर रहे हैं। क्या उसका आउटपुट हो रहा है आप देख ही रहे हैं, किस तरह से विभिन्न जगहों पर राष्ट्रीय अध्यक्ष हों कि अमित शाह जी, उनका कार्यक्रम कैंसिल करना पड़ रहा है। आ रहे हैं मुंगेर आए, हम लोगों को तो ये सूचना मिल रही है कि वहाँ तो लोग ही नहीं जुट पा रहे हैं उनके पास, और अलग अलग ज़िलों से व्यवस्था की जा रही है, लोगों को अलग अलग प्रलोभन देकर ये आए उनकी बातों को सुने और रिएक्ट कर रहे हैं। पूरे भाजपा के नेता उन्हीं के दौरे के लिए लगे हुए हैं। तो भाजपा के नेता लगे हैं ना, सिर्फ नेताओं से उनका मैदान भर जाएगा क्या, मन सज जाएगा? मन सजा ले भाजपा के नेताओं से, मैदान में लाने के लिए लोगों को एड़ी चोटी का जोड़ लगाना पड़ रहा है, और वही वस्तु स्थिति कमोवेश हर जगह है। तो फीडबैक तो मिल ही रहा है, हमें तो लगता है कि जिस दिन उनका कार्यक्रम हो जाएगा उस दिन प्रेस वार्ता करके आपको बताएंगे उनके कार्यक्रम का क्या फीडबैक रहा है, कहाँ से लोग आए हैं। और अमित शाह जी जब बिहार आते हैं, आपने तो कई भाषणों में देखा है उनको कि ज़बरदस्ती लोगों से बुलवाना पड़ता है, लोगों को जगाना पड़ता है, तब जाकर लोग रिस्पॉन्ड करते हैं। तो जिनके भाषण में लोग ऑलरेडी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, उनके आने नहीं आने से क्या फ़र्क पड़ने वाला है? नहीं तो आपके जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का वो संसदीय क्षेत्र है, फर्क पड़ेगा ना आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष को? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है ना उनके आ जाने से, और जिस तरह की नफरत और द्वेष की राजनीति वो करना चाहेंगे, हो सकता है हमारे वोटों में और इजाफा हो जाए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष तो लाखों के अंतर से जीतना उनका सुनिश्चित है, इनको उम्मीदवार मिले तब ना। उम्मीदवारों की तो इतनी कमी से जूझ रही है भारतीय जनता पार्टी कि यहाँ वहाँ से लोगों को बुलाकर कभी प्रदेश का अध्यक्ष बनाना पड़ता है, कभी इस सिंबल का, इस जाति का नेता बनाना पड़ता है। तो हमारे यहाँ से बोरोड प्लेयर लेकर जा रहे हैं, जाएं खुशफहमी में रहें। हमें लगता है कि इन्हें उम्मीदवार मिलने में तो इतनी दिक्कत है, चुनाव जीतना इनके बस की बात कहाँ है। आपके पार्टी के कई नेता जो हैं वो भाजपा के संपर्क में हैं, उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं। तो क्या कहेंगे कि नहीं संपर्क में है? आखिर लोगों की टीआरपी कैसे बढ़ेगी? भारतीय जनता पार्टी के लोग या उनसे जुड़े लोग हमेशा इस बात को बोलते हैं, होता क्या है? क्या उपेंद्र कुशवाहा को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भाव नहीं मिल रहा इस वजह से? जो चीज़ें वो तो आपकी नज़रों के सामने है ना, किस तरह से उनके पार्टी छोड़ने के बाद सम्राट चौधरी जी को प्रदेश का अध्यक्ष बनाकर बैलेंस किया गया, वो भी आपके सामने है। हालांकि इन बातों से हमारी पार्टी पर क्या फ़र्क पड़ता है? हमारे यहाँ से लोग चले ही जाते हैं अगर, और भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने अंदर समावेश करके बड़े खुश हो जाते हैं, तो लीजिए ना बोरोड प्लेयर्स, खेलिए गेम। गेम में एक रिजल्ट एकदम तय है, आपका हारना निश्चित है। आपके यहाँ भी कुछ लोग संपर्क में हैं ऐसा सोचना? अरे भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के कुनबे के लोग हम लोगों के संपर्क में हैं, और देखिए आने वाले समय में क्या होता है। इब्तिदा इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। चलिए बिल्कुल, तो शायरी के माध्यम से इनका कहना है आगे आगे देखिए होता है क्या। ललन सिंह के संसदीय क्षेत्र में अमित शाह हैं, वहीं उपेंद्र कुशवाहा बहुत दिनों के बाद उन्होंने अब एक बात कही कि भाजपा के जो भाजपा के संपर्क में हैं जेडीयू के कई नेता, अब होगा क्या ये तो आगे ही पता चलेगा। प्रिंस फाउंडेशन के साथ नमस्कार।